नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सैम टेलर सुबिरका चैनल में। आज हम आपको पेंट की बेल्ट लगाना बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अगर आप कट कट करके देखोगे तो आपके अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का भी बटन दबाइए, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको पेंट में बेल्ट लगाना बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना बताएंगे। नए से नए बिगनर्स भी आराम से एकदम परफेक्ट तरीके से बेल्ट सेट कर सकते हैं। ये हमने देखिए बेल्ट पहले से बना करके रखी हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से देखिए, और ये लूप्स भी हमने पहले से ही बना करके रख लिए हैं। अगर आप ये बनाना नहीं जानते हैं तो हमें बताइए कमेंट में, हम इसकी भी वीडियो बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये फ्रंट साइड लेनी है हमें, ये देखिए इस तरीके से ये फ्रंट लेना है हमें, और इसमें देखिए इस तरीके से ये जो हमारा कुटका लगा हुआ है इसको हम यहाँ रखेंगे फिलाई के पास में इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर रहेगा हमारा ये कुटका जो है, ये देखिए मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मार्किंग है हमारी, दूसरे चाक लेता ये देखिए, इससे मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये जो हमने मार्किंग की है, फिर यहाँ पर ये हमारा कुटका है, ये हमारा कुटका यहाँ रहेगा, ये जो फिलाई के इधर ही, फिलाई के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, फिलाई से एक सूत इधर ही रहना चाहिए ये, ताकि ये आराम से पलट सके फिलाई अंदर की तरफ। ये देखिए यहीं पर आपको रखना है ये कुटका, और यहीं से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय यहाँ पर आप नागा पक्का करके लगाएं, ये देखिए मैंने ये लूप्स के निशान पहले ही लगा लिए हैं। इसमें चार लूप्स लगेंगे, इसकी 35 कमर है, 34 कमर से जो भी ऊपर पेंट जाती हैं हमारी उनमें हम चार ही लूप्स लगाते हैं। देखिए ये लूप्स हैं हमारे, आप चार चार इंच के ये लूप्स काट लें, बड़ा हुआ तो एक्स्ट्रा डबल हम लगाएंगे, लगाते समय कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये चरमा वाली साइड जो है हमारी, ये ऊपर रखनी है और ये वाली नीचे जाएगी, तभी ये पलट के आएगी तो ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये लगानी है, ये चरमा वाली साइड देखिए मैंने ऊपर रखी है, और ये जो प्लेन साइड है वो नीचे है, प्लेन वाली हमारी ऊपर आ जाएगी जब हम लगाएंगे इस तरह पलट के, ठीक है। इसी प्रकार आपको लगाना है, ये सारे लफ्स लगा लेने हैं इसी प्रकार। जैसे जैसे ये कुटके लगे हुए हैं वहीं कुटकों पर हमें ये लूप्स लगा लेते हैं। ये देखिए लूप्स लग चुके हैं हमारे, ये धागे वगैरह आप साथ साथ में ये कट करते चलें, ताकि धागे कट करते रहेंगे तो हमें ये एकदम साफ सुथरा हमारा रहता है, धागे वगैरह लटकते हैं तो ये हमारा भद्दा सा लगता है इसीलिए। अब देखिए इसे क्या करना है, अब जैसे ये हमने लूप्स लगा दिए हैं, अब इस प्रकार आपको बेल्ट को इस तरीके से और इसको इस तरफ, ये देखिए इस तरीके से ये आपको बंद कर देना है, इस तरीके से बंद करने के बाद में अब आपको इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये जो हमारी हमने सिलाई लगाई थी स्टार्टिंग की थी, यहाँ से आपको करीब ये 2.5 इंची के करीब छोड़ देना है और इधर को लगाना है ये, चाहे आप ये मान लीजिए ये लूप्स है और ये इसके बीचा बीच से यहाँ से लगाना है, इसके और इस लूप्स के बीच से सिलाई लगानी है यहाँ इधर, ये देखिए। अब इस पर हम ये लंबी सिलाई लगाएंगे, इसी प्रकार आपको लंबी सिलाई लगानी है इस पर, ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ये टांका लगाएंगे करीब इस यहाँ से, करीब आपको ये आधा इंच नीचे टाँका लगाना है ये पक्का करके इस तरीके से। आप नाप के लगा सकते हैं आधा इंच, या अंदाज है आपको, आप अंदाज से ही लगा सकते हैं, हम ये ऐसा है रोज लगाते रहते हैं तो हमको इसका तजुर्बा हो गया है रोज का, इसीलिए हम बगैर नापे ही लगा देते हैं। और आप ये अंदाज से लगाना चाहते हैं तो आप ये अंदाज से लगा सकते हैं, देखिए
ये मैंने टांका लगा दिया इस पे, अब ये आपको धागे वगैरह साफ कर लेने हैं। देखिए इसके धागे वगैरह कट चुके हैं। अब देखिए ये जो सिलाई थी इसी के बराबर से इधर भी सिलाई आपको लगानी है, और देखिए इस तरीके से ये लूप्स को अटैच करना है इसमें आपको। ये देखिए इसमें थोड़ी हल्की सी लूजिंग दे रखनी है आपको, खींच के नहीं रखना है, नहीं तो ये इस तरीके से ये देखिए पेंट खींचेगा, इसीलिए हल्की सी इसमें लूजिंग आपको रखनी है, ऐसे नहीं रखना है आपको, एकदम हल्की सी लूजिंग। और इसे हल्की सी लूजिंग लेने रखने के बाद में ऐसे रखना है आपको एकदम, मतलब ऊपर खींचना नहीं चाहिए इस तरीके से, एकदम आराम से सेफ रहना चाहिए। ये देखिए इसी प्रकार आपको ये सारे लूप लगा ले लेंगे। देखिए ये भी इसी प्रकार आपको लगानी है, सारी लूप्स आपको इसी प्रकार लगा लेने हैं, हल्की सी थोड़ी ये लूजिंग देते हुए, इस तरीके से नहीं लगाने हैं, ऐसे ही आपको नॉर्मल लगा लेने हैं सारे। और लूप्स पर आपको टांका जरूर पक्का करना है, जैसे आप ये अटैच कर रहे हैं यहाँ पर बैक करके टांका जरूर पक्का करना है आपको। और इस प्रकार ये देखिए इस तरीके से आपको ये अंदर से जो एक्स्ट्रा है वो आपको कट कर देना है। ये देखिए ये लूप, ये हमारी बेल्ट बनके रेडी हो चुकी है। अब हम उस तरफ की आपको अटैच करना बता रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए आपको अभी ये बेल्ट ले लेनी है। इसमें भी देखिए हमारी लूप्स के लिए कुटके लग रहे हैं, अगर आप बेल्ट के हिसाब से इसके हिसाब से लगाना चाहें तो इसके हिसाब से भी लगा लें। हम देखिए फिर भी इसी के हिसाब से आपको लगाना बता रहे हैं, दोनों हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये जो हमने फिलाई हमारी जो इस तरफ ये फिलाई मुड़ेगी हमारी अंदर की तरफ, ये देखिए यहाँ से, और ये जो हमारी चेन अटैच हुई है ये दोनों आपको मिला लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से, ये देखिए, और ये बीच का सेंटर भी मिला लेना है आपको। जहाँ जहाँ आपके लूप्स आएँ आप वहीं पर ये लगा लें लूप्स को, मार्किंग इनकी। ये देखिए बीच का ये जोड़ देख लें आप हमारा कहाँ आ रहा है, वहीं पर आपको इस प्रकार आप लगा लें। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको लगा लेना है। और ये देखिए बेल्ट लेनी है आपको, और ये वाला जो कुटका है ये हमारा इस चेन के पास में आता है यहाँ पर, ये जो कुटका है हमारा ये हमारा इस चेन के पास में आएगा। ये देखिए यहाँ रखने के बाद में, और आपको इस तरीके से यहाँ से ये लगा लेना है। ये देखिए जिस प्रकार मैंने बताया था उसी प्रकार आपको इधर भी ये लूप्स लगाने हैं। बहुत ही आसानी से बेल्ट लग जाती है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। देखिए नए से नए बिगिनर्स भी आराम से लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, यही हमारी मेहनत का फल होगा। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब वीडियो को भेजता रहता है। आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल है, आप लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, जिससे कि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। देखिए इस तरीके से आपको, अब जैसे उस तरफ मैंने टांका लगाया था उसी तरह इस पर भी आधा इंच नीचे इस लूप्स पर आपको ये पक्का टांका करके लगा लेना है। देखिए तो बेल्ट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए ये धागे वगैरह आपको कट कर लेने हैं इस प्रकार। ये कट करने के बाद में आपको ये जो हमारी पॉकेट है इसकी सीध से आपको करीब इधर आधा से पौना इंच इधर बढ़ा करके सिलाई लगानी है। जैसे ये हमारी पॉकेट है, ये देखिए ये पॉकेट है, इससे थोड़ा इधर ही लगाना है आपको सिलाई, यहाँ से स्टार्ट करनी है ये सिलाई।
ये धागे वगैरह कट कर लें साफ कर, साफ करने के बाद में धागे वगैरह साफ करने के बाद में अब क्या करना है आपको, इस प्रकार देखिए इस तरीके से आपको देखिए इस प्रकार आपको ये इस तरीके से पलट के आपको ये सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारी पॉकेट है, पॉकेट देख लें हमारी कहाँ तलक है, ये अंदाज से देख लें, ये वैसे मालूम पड़ जाती है यहीं तलक आप इस पर सिलाई ले जाएं। यहाँ तलक हमारी पॉकेट है, ये देखिए अंदर वाली जो पॉकेट है एम्प्टी वाली, उसी की सीध से लाना है, इससे आगे नहीं ले जाना है आपको, इससे आगे ले जाओगे तो हमारी पॉकेट ये सिल जाएगी। ये देखिए मैंने यहीं तलक लगाया है ये टाँका, और इससे आगे जाती तो हमारी पॉकेट बंद हो जाती। अब आपको देखिए इस तरीके से देखिए जैसे उसमें हमने टाँका लगाया था, इसी प्रकार टाँका पक्का करके आपको ये सारे लूप्स अटैच कर लेने हैं। थोड़ा इसमें लूप्स में नम देना है, ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, जैसे उस तरफ किया था वैसे इस तरफ भी आपको करना है। बहुत ही मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको, इस हिसाब से चाहे कोई भी नए से नए बिजनेस हों वो भी बेल्ट आसानी से अटैच कर सकते हैं। पेंट में बेल्ट अटैच करने का ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ये देखिए इस प्रकार आपको ये अंदर की तरफ हमने कटिंग करके मोड़ दिया है, ये इस प्रकार जहाँ तक हमारी ये पॉकेट है, ये देखिए करीब 1 इंच इधर है, यहीं तक आपको इधर भी रोक लेना है, पॉकेट पर नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई हमारी। ये देखिए यहीं पर टाँका पक्का करके आपको ये कट कर देना है। देखिए अभी इधर से दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए इधर से भी ये पॉकेट पर हमारी सिलाई नहीं चढ़ी है, यहीं तक मैंने रखा है। देखिए बहुत ही एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है हमारा बेल्ट, ये देखिए ये देखिए ये लफ्स भी आपको काट लेने हैं नीचे से। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए इसी प्रकार आप आसानी से बेल्ट लगाना सीख जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए हमारा बेल्ट जो है कितना एकदम साफ सुथरा लगा हुआ है। आप भी इसी प्रकार बेल्ट अटैच कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा वीडियो।